मेरा नाम है शिवाय और आप देख रहे हैं गेट पीसी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इप्सन एल 805 का 5 ईयर्स प्लस रिव्यू देने वाले हैं कि 5 साल के बाद जो है इसका मतलब क्वालिटी और स्पीड कैसी रहती है। और यहाँ पे हमारे सामने हनुमान जी की एक फ़ोटो है जो कि हमने इसमें कलर्स थोड़ा फिल किए हैं, कलर्स थोड़ा डाले हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम थोड़ा टेक्स्ट जो है इसमें ऐड किया है। तो चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं और दिखाते हैं इसकी क्वालिटी को। और कुछ लोग जो है प्रिंट सेटअप करना नहीं जानते हैं, तो प्रिंट सेटअप कैसे किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब प्रिंट करते हैं तो उनकी फ़ोटो से जो है स्याही जो है हाथ लगाते ही फैल जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको फुल HD फ़ोटो कैसे निकाल सकते हैं वाटरप्रूफ, चाहे उसमें पानी में डुबाइए या पानी उस पर छिड़किए, उसमें कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटो पेपर पे ध्यान देते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं फ़ोटो पेपर इप्सन का VMS का 240 GCM फ़ोटो पेपर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं VMS डिजिटल पेपर, ये ओरिजिनल पेपर है जिसमें वाटरप्रूफ जो है फ़ोटो बनती है, इस पर हाई क्वालिटी का फ़ोटो होता है। और इसकी वो क्वालिटी को आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना शाइनिंग कर रहा है फ़ोटो पेपर। और इस पर आप लोग देखना कितनी ज़बरदस्त फ़ोटो आएगी। और अपने इप्सन एल 805 का रिव्यू देखेंगे कि इस पर क्वालिटी कैसी आती है, 5 साल के बाद ये लेना चाहिए या नहीं। बट इसके जगह पे दूसरा पेपर, मतलब इसके जगह दूसरा प्रिंटर आ चुका है इप्सन का L8050, तो आप इसकी जगह पे उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इप्सन L805। तो चलिए अपने प्रिंट सेटअप करते हैं। तो इसको हमको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम इसको A4 साइज़ में प्रिंट करेंगे। A4 साइज़ 8x12 का फ़ोटो निकालना है, तो हम Ctrl+P जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको इसको स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा है प्रिंट, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इप्सन L805 हमारा सिलेक्टेड है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं, हमको A4 साइज़ में फ़ोटो चाहिए इसकी हाई क्वालिटी में। तो यहाँ पे फ़ोटो A4 पोर्ट्रेट, इस पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पे हम बॉर्डरलेस रखेंगे और यहाँ पे इसकी क्वालिटी में आप लोगों को ध्यान में रखना है और पेपर टाइप में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पेपर टाइप में हमको इप्सन प्रीमियम ग्लॉसी रखना है और नीचे क्वालिटी में जो है हमको हाई पे क्लिक करना है। और कलर जो हमारा रहेगा वो कलर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं और टाइमर देखते हैं। टाइमर यहाँ पे इसको हम रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसको रीसेट कर दिया है। और अब इसको हम करते हैं जो है प्रिंट। तो चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कर दिया ओके और इसका जो है टाइमर यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट और अपने प्रिंटर पे आ जाते हैं।
फोर साइज़ का फ़ोटो प्रिंट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी बत्ती जली हुई है और अभी हमारा पेपर जो है अपनी साइड खींचेगा। यहाँ पे पेपर को अपनी साइड में खींच लिया है और देखते हैं इसकी प्रिंट कैसे करता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दें, यहाँ पे फ़ोटो हमारी प्रिंट हो रही है। आप लोग देख पा रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की जो है फ़ोटो निकल के आ रही है और शाइनिंग भी आप लोग देख पा रहे हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है हमारी फ़ोटो में। यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है और फ़ोटो में हमने कुछ ग्लो इफ़ेक्ट ऐड किया है जो आप लोग बॉर्डर में देख पा रहे हैं कि ग्लो जो है हमारा अच्छी तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हम अभी आप लोगों को दिखा दें कि इसमें टाइमिंग कितनी हुई है। यहाँ पे हमारी टाइमिंग लगभग 1.5 मिनट हो चुकी है। देखते हैं टोटल टाइम कितना लगता है और इसकी क्वालिटी भी देखेंगे और इसकी प्रिंट स्पीड जो है वो भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हमारी फ़ोटो जो है वो निकल के आ रही है धीरे धीरे। ये हमने फुल HD में फ़ोटो प्रिंट किया हुआ है और इसकी सेटिंग में थोड़ा कम क्वालिटी करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। और यहाँ पे इसका समय देख पा रहे हैं कि 2.5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो है आधी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। आधी फ़ोटो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी लगभग 60% फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे कलर्स आप लोग देख पा रहे हैं कि फुल HD में कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं और ये 5 साल बाद हमने इसको जून में जो है लगभग 17 जून को लगभग हमने इसको परचेस किया था। और अभी जो चल रहा है 2024 फरवरी, तो आप काउंट कर सकते हैं लगभग 5 साल प्लस ही होंगे। तो 5 साल बाद भी इसका आप रिव्यू देख पाएंगे कि कितनी अच्छी की क्वालिटी जो है फ़ोटो की आ रही है और इस पर शाइनिंग जो आप लोग देख पा रहे हैं वो तो अलग ही लेवल है। और फ़ोटो जो है हमारा थोड़ा कैमरा जो है अच्छा नहीं है, बट आप रियल में इसको देखेंगे तो वाकई अलग ही लेवल है। फुल HD हाई क्वालिटी प्रिंट, इसमें हम शार्पनेस कलर्स और ये सब ऐड किए हैं तो बहुत ही अच्छी फ़ोटो लग रही है। यहाँ पे हमारी फ़ोटो का लास्ट होने वाली है, सबसे लास्ट का प्रिंट बचा हुआ है। और टाइमिंग को आपको दिखा दें कि टाइमिंग हमारी कितनी हुई है, लगभग 5 मिनट होने वाले हैं। यहाँ पे 5 मिनट जैसे ही हमको लग रहे होंगे इधर शायद प्रिंट हो जाएगा। कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंट होना बचा हुआ है और यहाँ पे 5 मिनट 2 सेकंड हो चुके हैं और इधर जो है इधर 5:30 पे शायद जो है प्रिंट हो जाएगा। 5 मिनट
30 सेकंड पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 5 मिनट 30 सेकंड हो चुके थे तब ये जो है प्रिंट आ चुका हमारा। और यहाँ पे आप इसकी शार्पनेस को देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी का, 5 साल का हो चुका है हमारा प्रिंटर और इसकी क्वालिटी जो है अभी भी बरकरार है। यहाँ पे हम क्वालिटी के बात करें तो इप्सन से बेहतर फ़ोटो पेपर और कोई प्रिंटर जो है नहीं निकाल पाएगा। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा ही, और इप्सन L805 अभी भी विनर है। अब ये प्रिंटर आता नहीं है बट इसके जगह पर इप्सन का 8050 आ चुका है। वो लगभग थोड़ा प्राइस इसका हाई रहेगा, लगभग 22 से 25 हज़ार के बीच में। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की जो है फ़ोटो हमारी आ चुकी है। यहाँ पे हमारा A4 साइज़ का फ़ोटो है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कितनी बड़ी साइज़ की फ़ोटो है, क्योंकि ये A4 साइज़ की है। जैसे हम फोटो कॉपी पेपर होता है उतना बड़ा फ़ोटो है हमारा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सब तक के लिए जय हिंद जय भारत।